हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन ठाकुर और आप देख रहे हैं चैनल करंट न्यूज जॉब्स। जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया है, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। इस सप्ताह सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उसके बारे में जानकारी। अगर आपने पिछले सप्ताह का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है, आप इस पर प्रेस करके पिछले सप्ताह का वीडियो देख के रिक्त पड़े पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का लाल सब्सक्राइब बटन नीचे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हर सप्ताह जो नई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन इजीली आपके मोबाइल में आपको मिल जाए। अगर आपका इस चैनल के बारे में कोई भी सुझाव है तो आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें इस फेसबुक आईडी के माध्यम से भेज सकते हैं। आपके जो भी सुझाव हमारे पास आएंगे हम उन्हें अपने वीडियो और चैनल में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के बाद। विभाग का नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पदों का विवरण है, अप्रेंटिसशिप पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 3,797। पदों के लिए शैक्षण योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो दी गई शैक्षण योग्यता को पूर्ण करते हो वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाने हैं। पदों के लिए आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मई 2022 निर्धारित की गई है। पदों के लिए वेतनमान, स्नातक अप्रेंटिसशिप पद के लिए उम्मीदवार को ₹9,000, ट्रेड अप्रेंटिसशिप पद के लिए उम्मीदवार को 8,050 और डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप पद के लिए उम्मीदवार को ₹8,000 हर महीने दिए जाएंगे। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक नई दिल्ली। पदों का विवरण है, ग्रामीण डाक सेवक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 650। पदों के लिए शैक्षण योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो दी गई शैक्षण योग्यता और अनुभव को पूर्ण करते हो वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाने हैं। पदों के लिए आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष 30 अप्रैल 2022 को होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवार को ₹700 आवेदन शुल्क देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 मई 2022 निर्धारित की गई है। पदों के लिए वेतनमान, उम्मीदवार को ₹30,000 हर महीने दिया जाएगा और अन्य भत्ते जो लागू होते हैं वो उम्मीदवार को दिए जाएंगे। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज रक्षा मंत्रालय। पदों का विवरण है, ये स्थायी और अस्थायी कमीशन BSc नर्सिंग कोर्स 2022 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षण योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो दी गई शैक्षण योग्यता को पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के तहत भरा जाएगा। पदों के लिए आयु सीमा, उम्मीदवार की आयु 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 30 सितंबर 2005 के बीच में होनी चाहिए। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क उम्मीदवार को ₹200 देना होगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। पदों के लिए केवल महिला उम्मीदवार ही आवेदन कर सकती हैं। इन पदों के लिए आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2022 निर्धारित की गई है। पदों के लिए उम्मीदवार को अच्छा वेतनमान पद के अनुसार दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है गांधी स्मृति और दर्शन समिति। पद का विवरण है, रिसर्च ऑफिसर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 1 और ये पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है।
पद के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो दी गई शैक्षणिक योग्यता और अनुभव को पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरा जाना है। पद के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। इस पद के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पद के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार पात्र होंगे। इस पद के लिए आवेदन उम्मीदवार को ऑफलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशन के 30 दिन के अंदर उम्मीदवार को आवेदन करना होगा। पद के लिए वेतनमान उम्मीदवार को पे मैट्रिक स्तर 10 सातवें वेतन आयोग के तहत दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र 7 से 13 मई 2022 का अवलोकन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन एस्टेब्लिशमेंट। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है। प्रोजेक्ट साइंटिफिक ऑफिसर ई का एक पद ही इस मान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। प्रोजेक्ट साइंटिफिक ऑफिसर बी का एक पद ही इस मान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट बी का 4 पद, इसमें एक पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए, एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए, एक पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए और एक पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट का एक पद ये अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। ट्रेड्समैन ट्रेनी इलेक्ट्रिकल का एक पद ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो इस कॉलम में ऊपर दिए गए पद के क्रम अनुसार दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाने हैं। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की आयु 28 से 40 वर्ष के बीच में पद के अनुसार निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 मई 2022 निर्धारित की गई है। पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को ₹12,500 से लेकर ₹1,07,500 पर मंथ दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो के बारे में कमेंट करना। नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप इसमें अपना कमेंट टाइप कर सकते हैं। अगर आपका वीडियो के संदर्भ में कोई भी किसी तरह की आशंका है तो आप अपने मैसेज भी हमें भेज सकते हैं। ये फेसबुक आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप हमें मैसेज कीजिए, आपके जो भी मैसेज हमारे पास आएंगे हम उसका उत्तर आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और चैनल को ढेरों सारा प्यार देने के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह से चैनल को देखते रहिए और दूसरों के साथ में वीडियोज़ को शेयर करते रहिए। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट सप्ताह एक नई वीडियो के साथ मुझे आप लोगों से फिर से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी है खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।